का हिस्सा है। तो आपको बता दूं कि इस शहर में इनकी खुद की ही सरकार है। दोस्तों इस समय इस देश की कुल आबादी है लगभग 6.5 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में ये 167वें नंबर पे आता है। ये पूरा का पूरा शहर मात्र 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन 100% शहरी है। अगर डेंसिटी की बात करें तो 21,645 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर दिख जाते हैं आपको यहाँ पे। Well, friends, ये शहर बहुत छोटा जरूर है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ताकतवर है। यहाँ पर किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं भाई। कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ की सरकार बहुत तेज काम करती है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि मकाऊ एक शहर है जो कि चाइना का हिस्सा है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इनके खुद की सरकार है। जी हाँ, मकाऊ चीन के अधिकार क्षेत्र में आता जरूर है लेकिन कुछ ही मामलों में। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की अपनी सरकार जो है वो भी लोगों के द्वारा चुनी गई है। यहाँ का अपना एक अलग ही नियम कानून है और उसे सब फॉलो करते हैं। बिल दोस्तों आपको बता दूं कि मकाऊ का नाम भी एक्सीडेंटली ही पड़ा था। आपको जानकर हंसी आएगी कि कैसे इसे मकाऊ का नाम दिया गया। ये बात तो सब जानते ही हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बार पोर्चुगीज आए थे, लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये पहली बार आए थे तो इन्होंने लोकल लोगों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ का नाम है इमागाओ, जो कि पास में ही बने मंदिर का नाम था। बाद में इसी का नाम बदलकर मकाऊ रख दिया गया। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक मकाऊ दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पैसे वाली जगह है। जी हाँ, ये बात 100% सच है। आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम तरह की आधुनिक फैक्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी गरीब इंसान नहीं मिलेगा। दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ की सरकार ही वहाँ के लोगों को रहने के लिए पैसे देती हो? ये सुनकर आपको भी लगता होगा कि क्यों ना बैग पैक करके मकाऊ ही चल दिया जाए। आपको बता दूं कि यहाँ की सरकार को कैसीनो बिजनेस में खूब पैसा मिलता है, जिसकी वजह से साल के अंत में यहाँ के गवर्नमेंट अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को साल में एक बार $1,200 देती है और जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनको $660 दिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सरकार सबकी मदद करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि मकाऊ चीन में यूरोप के देशों की पहली और आखिरी कॉलोनी बना? यहाँ पर पहली बार 1557 में पोर्चुगीज आए थे और वो 1887 तक यहाँ रहे। 1999 में हालांकि मकाऊ को ऑफिशियली चाइना को सौंप दिया गया। कहते हैं कि आज भी यहाँ से पोर्चुगीज को गए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल सबसे अलग है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप चीन के अंदर किसी शहर में हैं, क्योंकि यहाँ का रहन सहन सब कुछ यूरोपियन स्टाइल का है। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप चाइना के अंदर किसी शहर में हैं। आज भी पोर्चुगीज यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। बिल दोस्तों आपको बता दूं कि मकाऊ का खाना वर्ल्ड फेमस है। कहते हैं कि अगर आपने मकाऊ का खाना नहीं खाया तो समझिए कि कुछ मिस कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई पैसे वाले इंसान मकाऊ में खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ के कुजीन के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार इसे खा लेता है वो फिर बार बार यहीं का खाना टेस्ट करना चाहता है। यहाँ खाने में भी पोर्चुगीज इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के खाने को वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्यूजन कुजीन के नाम से भी जाना जाता है। मजा आ गया यहाँ के खाने के बारे में जान के। दोस्तों आपको बता दूं कि मकाऊ के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का बड़ा शौक है, तभी तो यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग करने वाली जगह है। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है मकाऊ टावर, जिसकी ऊंचाई 233 मीटर है। अब समझिए कि यहाँ से यानी कि इतनी ऊंचाई से लोग जंप करने आते हैं। बंजी जंपिंग यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में मकाऊ इतना पॉपुलर क्यों है, यहाँ अमीरी क्यों है इतनी? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये चीन के अंदर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे जुआ खेलना अलाउड है। जी हाँ, आप अपनी मर्जी से यहाँ पैसा लगा सकते हैं और कोई भी आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये लीगल है यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर कैसीनो में हजारों की संख्या में लोग अपनी किस्मत आजमाते दिख जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चीन के लोग ही आते हैं जुआ खेलने के लिए, क्योंकि पूरे चीन में कहीं और तो खेल नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खुलेआम जुआ खेला जाता है। दोस्तों आप समझिए इस बात को कि मकाऊ की इकोनॉमी पूरी तरह से कैसीनो बिजनेस पे डिपेंडेंट है। जी हाँ, यहाँ की GDP का आधे से ज्यादा हिस्सा जुआ के पैसों से ही आता है। यहाँ के कैसीनो पार्क का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो यहाँ पे कैसीनो में लगाया जाता है वो अमेरिका के लास वेगस की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर जुआ का जुनून है। यहाँ पर रातों रात लोग अरबपति भी बनते हैं और लखपति भी बनते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मकाऊ के लोगों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये बहुत ही रिजर्व रहने वाले लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ इनको ही पता होता है। यहाँ के लोग अपने बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते। इस तरह की आदतें कई देशों के लोगों में होती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये भले ही चीन में एक इंडिपेंडेंट रीजन हो, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों की सोच आज भी यूरोपियन है। दोस्तों एक आदत जो यहाँ के लोगों की कह लीजिए या कहिए कि एक मान्यता ऐसी है जो कि सबसे अलग है, लेकिन हमारे देश के लोगों से मिलती जुलती है।
जानते हो क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो है यहाँ के लोगों का प्यार फिश के प्रति। जी हाँ दोस्तों, मकाऊ के लोग अपने घर में एक्वेरियम जरूर लगाते हैं ताकि जब वो सुबह सुबह उठे तो इन्हें मछलियाँ देखें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जब आपको अर्ली मॉर्निंग फिश नजर आती है तो उसका मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा निकलेगा और फाइनेंशियली आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों मकाऊ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आप दुनिया का हर वो काम कर पाएंगे जो कि कहीं और करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है कि यहाँ पर लोग एक से बढ़कर एक नशे कर सकते हैं, यहाँ पर आप काफी मस्ती कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जुआ तो खेलते ही है, कई लोग तो इस तरह की मौज मस्ती के लिए ही मकाऊ जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यह सब अच्छी आदतें नहीं है, आप दूर ही रहिए इन सब से, खास करके नशों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों मकाऊ का जो सबसे फेमस होटल है उसका नाम है मॉर्फियस होटल और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल्स में से एक है। इस 40 फ्लोर की बिल्डिंग को डिजाइन किया था दामे जहा हदीद ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की पहली फर्स्ट फ्री फॉर्म एक्सोस्केलेटन बाउंड हाई राइज बिल्डिंग है। वेल दोस्तों मकाऊ में एक जगह है जिसका नाम है द हाउस ऑफ डांसिंग वाटर और ये इतनी कमाल की जगह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते ही आते हैं। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि यहाँ का स्विमिंग पूल इतना बड़ा है कि इसके सामने 5-5 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भी मिला दें तो कम पड़ जाएं। यहाँ पर हर उम्र के लोग आते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे आते हैं, वो इवेंट्स को काफी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर पूल में हर तरह की चीजों को एक्टिविटी के जरिए देखा जाता है।